हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ड्रामा सीरियल जानेसार। सो लेट्स स्टार्ट। जानेसार ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नौशेरवान सुनहरा से मुलाकात करता है। नौशेरवान सुनहरा से कहते हैं कि जो लड़की मैंने पार्टी में देखी है इसे मैं खरीदना चाहता हूँ, इसके बदले जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम्हें मिलेगा। सुनहरा कहती है कि तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कोई छोटी मोटी रकम नहीं मांगने वाली, बल्कि बड़ी रकम देनी होगी तुम्हें। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम तो बाएं हाथ का फेद है नाश। नौशेरवान कहता है कि मैं फजूल बातें सुनना नहीं चाहता, बस मुझे वो लड़की चाहिए। इसके बाद तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। इसके सामने बहुत बड़ी पेशकश रखती है सुनहरा। इतने करोड़ों अरबों की मालियत इसे बताती है किसी भी कीमत पर दुआ को पाना चाहता है वो नौशेरवान। यही वजह है कि पहले वो इसी वक्त अगर चाहता तो पार्टी से हाथ पकड़कर इसे वहां से लेकर चला जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि वो पहले जुनैरा से मिलने के लिए आया है ताकि एक बार वाजिया मुलाकात कर सके। अब जुनैरा बहुत खुश होती है, वो कहती है कि इतनी बड़ी रकम तो पहले कभी भी हमें नहीं मिली जो ये नौशेरवान हमें दे रहा है। बहुत गिनती हीरा हमारे हाथ लगा है। अब जुनैरा सब लोगों को बताती है कि तुमने किसी वक्त किसी इंसान ने खरीद लिया है, और इसी से जुनैरा कहती है कि तुम्हारा गुस्सा किस कदर खास है, तुम्हें कोई ना कोई तो जरूर पसंद कर लेगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और ऐसा ही हुआ है, देखो ना तुम हमारे घर आई और हमारी तो किस्मत ही बदल गई। मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है, इसलिए अब तैयार हो जाओ क्योंकि आज रात वो लड़का आ रहा है जिसने तुम्हें खरीदा है। दुआ भी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो जुनैरा से कहती है कि तुम्हें सजा जरूर मिलेगी जो कुछ तुम लड़कियों के साथ करती हो। इन्हें बेचना, इनकी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद करना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। सुनहरा कहती है कि लड़की जबान संभाल कर बात करो, जानती हो ना तुम्हें मैंने ही पनाह दी थी, इन लड़कों से तुम्हें मैंने ही बचाया था, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इसकी कीमत वसूल ना करती। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए तैयार हो जाओ, जिस लड़के ने तुम्हें खरीदना है वो आज आ रहा है, इस लड़के ने तुम्हें खरीदा है। अब दुआ तैयार होना शुरू हो जाती है। वहां पर वो लड़कियों से कहती है कि देखो तुम्हें पता नहीं किसने खरीद लिया है, हो सकता है कि आपसे तुम्हारी जिंदगी सवर जाए, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं है मैंने। यहाँ से जो भी लड़की को खरीदता है ना इसकी जिंदगी फिर भी बर्बाद ही होती है। अब दुआ और ज्यादा डर जाती है, वो कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी राह निकालोगी यहाँ से और मुझे यहाँ से फरार कर दोगी, फिर तुम ये बातें क्यों कर रही हो, तुमने मुझे और ज्यादा डरा दिया है। वो कहती है कि अब वक्त हो गया है, वो लड़का आज ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, अब रात बहुत हो चुकी है। दुआ का इस लड़के से मिलने का वक्त हो जाता है, जब वो वहां पर देखते हैं कि नौशेरवान है वो दंग रह जाती है दुआ, लेकिन वो सोचती है कि उस दिन जब ये इज्जत कर रहा था मेरी, मैंने तो समझा था कि ये बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। लेकिन दुआ को नहीं मालूम कि नौशेरवान इसे खरीदना नहीं चाहता बल्कि इसकी तो जान बचाना चाहता है, इसे इज्जत फ्राहम करना चाहता है। नौशेरवान दुआ से मिलता है, वो दुआ से कहता है तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, तुम्हारे साथ क्या हुआ, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, इसके पीछे भी मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है। दुआ कहती है कि एक बात याद रखना, हर औरत बिकाऊ नहीं होती, तुम्हें शायद ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, और क्या मैं भी इनके अंडर काम करती हूँ, आखिर मैं इस अपार्टमेंट में क्या कर रही थी और मुझे किसने वहां पर भेजा। ये ऐसे सवालों के जवाब हैं जो मैं आपको देना नहीं चाहती। नौशेरवान इसे कहेगा कि मैं तुम्हारी माजे के बारे में नहीं जानना चाहता और तुम्हें भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो। ये सुनकर दुआ काफी ज्यादा हैरान होती है, वो सोचती है कि ये पहला आदमी है जिसने पहले मुझसे निकाह की बात की है। अब उसके दिल में आता है कि फराज ने भी तो यही सब कहा था, और यही कहा था कि इसके अम्मी और अब्बू से मुलाकात होगी और इसके बाद दोनों का निकाह होगा, लेकिन इसने क्या किया इसके साथ, इसे बेच डाला। अब दुआ काफी मुश्किल के साथ किसी पर एतवार कर बैठेगी, अब इसे हाथ कोई कसूरवार लगता है। इसे ऐसा ही लगता है कि नौशेरवान इतनी बड़ी कीमत दी है मेरे और शायद इसका भी कोई बुरा मकसद हो। नौशेरवान इसे कहेगा कि दुआ कुछ भी बुरा सोचने से पहले ये सोच लेना कि औरत की इज्जत मेरे लिए पहली तरजीह है, मैं तुम्हें कहां के अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, इस तरह हकीकत से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। दुआ कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त दो। सुनहरा इसे कहती है कि तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है, मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं है, अब इस लड़के ने मुझे बहुत बड़ी रकम दे दी है, इसीलिए अब तुम्हें जाना तो इसके साथ है, इसीलिए तो मैं इसके साथ निकाह करना होगा, तुम्हारे पास वक्त हो या ना हो जाना तुम्हें इसी के साथ। ये ड्रामे में ट्विस्ट इस वक्त आता है जब
सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं। दुआ का ऐसा ही लगता है कि नुशेरवा इसे धोखा देगा, इसके साथ निकाह करके इसे छोड़ देगा, लेकिन दुआ नहीं जानती कि नुशेरवा इसे मोहब्बत करता है। दुआ का निकाह होता है, एक तरफ दुआ जिसके जहन में ये सवाल आ रहे होते हैं कि ये भी फराज की तरह मुझे धोखा देगा, तो दूसरी जानिब नुशेरवा वो सोचता है कि दुआ मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मैंने तुम्हारे और इतनी बड़ी रकम दी है, मेरे पास यही रास्ता था दुआ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुआ और नुशेरवा का निकाह हो जाएगा और जब नुशेरवा दुआ को अपने गले लगाकर चलता है, इसे कहता है कि मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह से समझ लो, मैं खुद चाहता हूँ कि हम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और हम दोनों एक दूसरे का ख्याल दोस्तों की तरह रखें, तुम अपने माजी को भूल जाओ दुआ, क्योंकि हम माजी को याद करने से कोई फायदा नहीं होगा हमें। वहाँ काफी ज्यादा दुआ रोती है, अब वो सोचती है कि मेरे बाबा ने किस तरह से मुझे घर से निकाल दिया, हर किसी ने मुझे बुरी निगाह से देखा, लेकिन इस शख्स ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे इज्जत फराहम की और मुझे इज्जत से रखने के लिए अपने घर में ले आया, मेरी इज्जत इतनी बड़ी रकम दी उनको और मुझे बचा लिया। अब दुआ चाहती है कि वो खुश रहे। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन चाहता है कि फराज का बुरा हाल हो, और फराज को एक थप्पड़ तो पड़ना चाहिए नुशेरवा के हाथों से, वो इतना तो डिजर्व करता ही है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।